गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। छोटा सा टॉपिक करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं मेरे पास रविंदर की और अनुज की, उनको डिस्कस करेंगे। सिंपल सा हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम बार बार यूज करते हैं और वो क्या है हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड when no external torque is acting on it। यानी हमारे पास dl upon dt जो होता है वो आपका टॉर्क होता है। if torque is equal to zero तो आपके पास dl upon dt भी किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया। तो हमारे पास l सीधा सीधा क्या आ गया? कांस्टेंट। क्या इलस्ट्रेशन हैं इसके? व्हाट आर द इलस्ट्रेशन? मान लीजिएगा आप एक रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर, रिवॉल्विंग स्टूल के ऊपर आपको किसी ने रिवॉल्व करवा दिया, अगर आप अपने हैंड्स को स्प्रेड कर लेंगे, अगर आप अपने हैंड्स को स्प्रेड कर लेंगे तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस कर जाएगी। ऐसा किस लिए होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हमारे पास आई ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है। अगर आप अपने हैंड्स को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे तो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है कि अगर हम हैंड्स को स्प्रेड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा।
देखिए सीधी बात है कि अगर आप बैठे हैं, ये आपका मान लीजिएगा एक्सेस ऑफ रोटेशन, यहां पर आप बैठे हैं, पहले तो आपके हैंड्स फोल्ड है और फिर अगर आपने अपने हैंड स्प्रेड कर दिए तो आपका मास जो है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया, आर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, और आर अगर इंक्रीज कर गया तो समेशन एम आर स्क्वायर आपका इंक्रीज कर गया। तो यहां से आपके पास आई ओमेगा जो है, क्योंकि कांस्टेंट है, एज आई इज इंक्रीज्ड ओमेगा क्या कर गया आपका डिक्रीज कर गया। अगर हम और एग्जांपल की बात करके चले कि हम एक स्प्रिंग लें, उसके ऊपर कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट टाई कर दें और उसको अपने हैंड से रिवॉल्व करवाएं और रिवॉल्व करवा करके उसको अपनी फिंगर के ऊपर वाइंड होने दें। आप करके देख सकते हैं, ये अपनी फिंगर के ऊपर वाइंड होने दें तो जैसे जैसे वो आपके पास स्ट्रिंग है फिंगर के ऊपर वाइंड होती चली जाएगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फिंगर आपकी वाइंड होगी, नहीं स्ट्रिंग आपकी वाइंड होगी तो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी और लेंथ डिक्रीज करेगी, पार्टिकल आपका यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे ये लेंथ डिक्रीज करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारा डिक्रीज करेगा तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कई आपके डाइवर्स होते हैं स्विमिंग में, एक आपका इवेंट होता है कि यहां पर आपका वाटर है और यहाँ एक कोई प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, यहां से कोई स्विमर जो है वो यहाँ डाइव करता है तो वो यहाँ पर समरसॉल्ट लेता है, रिवॉल्व होता हुआ आता है। अगर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर रखता है तो वो कम रोटेशंस प्रोड्यूस कर पाता है, लेस रोटेशंस कंप्लीट कर पाता है, पर अगर वो अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है तो वो ज्यादा मोर रोटेशंस के लिए जाता है। ऐसा क्यों हुआ? जब उसकी बॉडी स्ट्रेट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज मोर, और जब उसकी बॉडी फोल्ड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या हो गया, लेस हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर है तो एंगुलर वेलोसिटी लेस है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेस है तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, मोर। तो ये हमारे पास कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एग्जाम्पल है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स अगर डिस्कस करके चले, मान लो हमारे पास कोई डिस्क है आर रेडियस की और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। बाय द वे इसके ऊपर आकर के कोई इंसेक्ट यहां पे बैठ जाता है एट ए डिस्टेंस आर, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो किसके बराबर, हाफ एम, वेयर एम इज द मास ऑफ डिस्क, आर स्क्वायर, ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। नहीं, ये तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो गया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा, ये तो आपके पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो आपके पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और अगर इंसेक्ट का मास m है तो वो हो गया मेरे पास स्मॉल m r स्क्वायर, ये इंसेक्ट का मास हो गया, और इनटू ओमेगा डैश, तो यहां से मेरे पास ओमेगा डैश।
अगर आपका एक आदमी कोई डिस्क के ऊपर प्लेटफॉर्म से यहां से चल करके यहां तक जाता है तो भी आपके पास डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज कर जाएगी? जैसे जैसे आपका मैन है वो इधर जाता जाएगा, वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे जाता जाएगा, और जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे मास जाता है देन व्हाट विल हैपन, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा तो आपका क्या करेगा, आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये कुछ एग्जांपल थे, कुछ प्रॉब्लम्स और डालूंगा मैं आपके लिए और फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके साथ दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। रविंद्र ने एक क्वेश्चन डाला, पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेट मी डिस्कस। एक कोई पार्टिकल है वो पार्टिकल आपका मूव करता है पॉइंट ए से, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 0 है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 2 हैं और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 2 हैं। ये पार्टिकल आपका ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है और डी से ए जाता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज, फोर्स जो है दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज 2xj, 2xj SI units है। वो दो क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट पूछता है वर्क क्या होगा अगर फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है तो, दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो वर्क क्या होगा अगर मेरा फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है तो। वो आपका कंप्लीट साइकिल करता है, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है और डी से जो है वो आपका वापस ए आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट हो गया। क्या डायरेक्ट हो गया आपके पास, अगर फोर्स आपका कंजर्वेटिव है तो आपका ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पर ही वापस पहुंच गया तो टोटल मिला करके अगर फोर्स मेरे पास कंजर्वेटिव है तो टोटल वर्क डन मेरे पास 0 हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, रेज योर हैंड। ठीक बेटा, अब हम बात करके चलते हैं कि फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव है तो क्या होगा। फोर्स अगर हमारा नॉन कंजर्वेटिव है तो हमारे पास The work will depend upon the path. हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्क, दैट विल डिपेंड अपॉन द पाथ। और किस तरह से कैलकुलेट करें, टोटल वर्क होगा मेरे पास किसके बराबर होगा, ए से लेकर के बी तक एफ डॉट डी आर प्लस बी से लेकर के सी तक
f dot dr plus c से लेकर के d तक f dot dr plus d से लेकर के a तक f dot dr। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं आपके लिए a से लेकर के b तक f dot dr। तो यहां पर वो कहता है फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग, व्हाट फोर्स वाज एक्टिंग, दैट वाज इक्वल टू 2x जी। तो f डॉट dr क्या होगा मेरे पास, वो मुझे कैलकुलेट करना होगा कि क्या है हमारे पास। लेट आई पुट द वैल्यू ऑफ f a से लेकर के b तक, f किसके बराबर आपका, f है 2x के बराबर, और j डॉट dr किसके बराबर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है, तो ये इसको मैंने dx लिख दिया, तो dr हो गया मेरे पास dr dx i। तो ये वर्क मेरे पास जीरो हो गया। कितने लोगों को समझ में आया, कारण बता देता हूं कि भाई j डॉट i हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो दिस वर्क इज जीरो। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वर्क फ्रॉम बी टू सी, एफ डॉट डी आर, बी टू सी एफ किसके बराबर, 2x, और यूनिट वेक्टर जे डॉट व्हाट इज डी आर। अगर मैं इसकी बात करके चलूं, ये मेरे पास तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी वाई, तो ये हो गया मेरे पास डी वाई जे। वाई कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक चेंज करता है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज करता है जीरो से लेकर के टू तक, तो ये लिखा मैंने जीरो और ये लिखा मैंने टू इज इक्वल टू जे डॉट जे किसके बराबर, जे डॉट जे वन के बराबर, तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन जीरो टू टू, ये टू एज इट इज, ये टू एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है एक्स, क्या एक्स वेरिएबल है बी से सी या कांस्टेंट है बी से सी। तो मैं दो कोटेशन बोल रहा हूं, पहली बोल रहा हूं कि एक्स जो है कांस्टेंट है बी से सी। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि x जो है वो b से c जो है वो कांस्टेंट है, रेज योर हैंड। तो आप बताओ अगर b से c x की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो कितनी है, बोलिए। इस लाइन के लिए, इस पूरी लाइन के लिए, इस पूरी लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, क्या टू के बराबर नहीं है? Yes, भाई ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस, जिस तरह से ये कोऑर्डिनेट बता रहा है उसके हिसाब से, तो इस एक्स की जगह भी मैंने क्या लिख लिया, टू लिख लिया और इनटू व्हाट, डीवाई। तो ये क्या आ गया, टू टू जा फोर तो बाहर आ गया, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या चीज, वाई कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के टू तक, तो ये मेरे पास हो गया फोर इंटू टू माइनस जीरो और वो किसके बराबर हो गया, एट यूनिट। नाउ आगे चलते हैं कि हमारे पास C टू D, ये वाला वर्क कितना है, ये वर्क भी मेरे पास जीरो के बराबर है। कितने लोगों को समझ में आता है, समझ बताइएगा मेरे को। फर्क क्या पड़ा, हमारे पास F तो है मेरे पास 2xj एंड व्हाट इज dr। अगर मैं dr की बात करके चलूं तो आपके बार हम इधर चल रहे हैं और अगर इधर चल रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, और हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस चल रहे हैं, तो ये मेरे पास माइनस आ गया, तो माइनस आई
जे डॉट आई किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, तो वापस जीरो के बराबर। अब लास्ट और कैलकुलेट करते हैं डी से ए, डी से ए एफ डॉट डी आर किसके बराबर, अब की बार डी से ए आ रहे हो, डी पर वाई कोऑर्डिनेट टू है और ए पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, टू से जीरो टू और भाई व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम डी टू ए, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट, कितना वेरिएबल कहां से कहां तक चेंज करता है एक्स कोऑर्डिनेट, और कांस्टेंट है तो कितना है, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कांस्टेंट है और किसके बराबर है, टू टू या जीरो, जीरो जीरो जीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह जीरो रखा तो फोर सी क्या हो गया हमारा, जीरो जीरो हो गया, तो वर्क किसके बराबर हो गया, जीरो जीरो के बराबर। तो अब हमारे पास टोटल वर्क डन अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव था तो कितना हो गया, ए से बी कितना वर्क हुआ हमारा, जीरो, बी से सी कितना हुआ, फोर यूनिट, सी से डी कितना हुआ, जीरो, और डी से ए कितना हुआ, जीरो। Someone is disturbing. कितने यूनिट आ गया आंसर, 8 यूनिट आएगा सर, 4 के लिए 4 गलत लिख दिया, 8 था, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 8 यूनिट। कुछ क्वेश्चन और थे मेरे पास, वो और डिस्कस करता हूं, आज भेजे हैं अनुज ने, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, लेट मी डिस्कस इट विद यू अगेन। वी हैव ए रूम and he is saying that a ladder is resting against the wall ye ladder hai it is resting against a wall ladder ki length 3 meter hai length uski 3 meter hai और मास उसका 20 किलोग्राम है और इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 meter फ्रॉम द वॉल, ये मेरे पास 1 meter है, ये लैडर का सेंटर ऑफ मास होगा। ही इज आस्किंग दैट कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द वॉल एंड द फ्लोर, तो बेटा वॉल के ऊपर मैंने रिएक्शन मान ली एन वन के बराबर और फ्लोर के ऊपर मैंने नॉर्मल रिएक्शन मान ली एन टू के बराबर, और एक और फोर्स काम करेगा इस पॉइंट के ऊपर और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, लैडर बाहर की तरफ जाना चाहेगी, तो इधर आपके पास क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। यहां पर आपके पास वेट काम करेगा,
सेंटर के ऊपर आपका वेट काम करेगा, तो अब यहां पर ये हमारे पास वेट काम कर गया एम जी। और कोई फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर? और कोई फोर्स नहीं काम कर रहा। तो ये कह रहा है कि व्हाट आर द रिएक्शंस, तो सीधा सीधा कैलकुलेट होकर के आ गया हमारे पास कि ये रेस्ट पर है तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स एक्सिस में मेरे पास एन वन माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये मेरे पास एन वन इज इक्वल टू एफ आ गया, और हमारे पास समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो तो है हमारे पास, तो एन टू माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये मेरे पास n2 इज इक्वल टू एम जी आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? रेज योर हैंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड किस किस को समझ में आई? ठीक है, राइट। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं बात करके चलूं पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम की तो बात करके चलो, तो ये वाला मेरे पास डिस्टेंस हो गया, किसके बराबर डिस्टेंस हो गया? रूट एट के बराबर। आता है समझ में? राइट। अब क्या करें हम टोटल टॉर्क को, समेशन ऑफ टॉर्क को जीरो के बराबर पुट करेंगे इक्विलिब्रियम में। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, आई एम टेकिंग टॉर्क अबाउट बी। इस लैडर के ऊपर टोटल चार फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं? एन वन, एन वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? एन वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रूट एट के बराबर, और ये आपके पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस तरफ यानी इस पॉइंट के क्लॉकवाइज, तो ये मेरे पास क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, प्लस n2 की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा, f की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा क्योंकि दोनों ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रहे हैं। mg की वजह से टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा? mg मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज दिस डिस्टेंस, टोटल आपका 1 मीटर है, तो ये किसके बराबर हो गया? आपका 1/2 मीटर के बराबर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू जीरो। और ये टॉर्क किधर लगेगा? ये टॉर्क आपका यूं लेकर के आएगा इस एक्सिस के अबाउट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ एन वन रूट एट, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ माइनस एम जी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास आ गया क्या चीज आ गया? एन वन इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एट। तो ये मेरे पास किस चीज की वैल्यू आ गई? एन वन की वैल्यू आ गई, और एन वन ही किसके बराबर है? एफ के बराबर है, और एन टू डायरेक्ट आपका किसके बराबर है? एन टू डायरेक्ट आपका एम जी के बराबर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास सिलेंडर है, और वो सिलेंडर आपका इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है,
पता नहीं किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इस सिलेंडर का रेडियस जो है 3 मीटर के बराबर है। यहां पर एक आदमी जो है वो चिपका हुआ है, फिक्स हो रखा है, चिपका नहीं रखा, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से वो यहां पर चिपका हुआ है। ए 70 किलोग्राम मैन की वेलोसिटी, मास ऑफ मैन जो है वो आपका 70 किलोग्राम है, मास ऑफ मैन। ए 70 किलोग्राम मैन स्टैंड्स इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस 3 मीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस विद 200 rpm। ओमेगा जो है वो 200 rpm है। तो 200 rpm का क्या मतलब हो गया, 200 × 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड इज क्लोथिंग इज 0.15। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, 0.15 के बराबर है। व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू एनेबल द मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड। यानी क्या हुआ, ये आपके पास ये कहता है कि यहां पर पहले ये फ्लोर पे खड़ा था, इसने एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है बट ये कोई काम की नहीं आएगी। ये फ्लोर पे ये आदमी खड़ा था और सडनली ये फ्लोर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होनी चाहिए कि ये यहां पर आपका चिपका रहे, गिरे नहीं। तो क्यों नहीं गिरेगा, लेट वी डिस्कस। इस आदमी के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर बाहर एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर बाहर एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर फोर्स लग गया तो अंदर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगी, क्योंकि ना तो ये बाहर जा पा रहा ना अंदर जा पा रहा, इसलिए आपके पास नॉर्मल रिएक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गई। ये अपने वेट की वजह से नीचे फिसलना चाह रहा है, पर इसको जैसे वो नीचे फिसलना चाह रहा है फ्रिक्शन इसको रोक पा रहा है। तो कब रुकेगा ये, जब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, तब वो उस जगह पर रुक पाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, हाथ खड़े करो। तो हो गया बेटा ये क्वेश्चन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। और फिर हमारे पास म्यू उसने बता रखा है 0.15, मास को पुट करने की जरूरत नहीं है, आर उसने 3 मीटर बता रखा है, इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम इनटू जी, जी को किसके बराबर लेकर के चल लो मैं, चलो 9.8 ले लेता हूं। यहां से मेरे पास एम से क्या कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 9.8 / 45.45। ठीक है, तो ये मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, किसके बराबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर आ गया मेरे पास 19.6 और नीचे आ गया मेरे पास 0.9। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और ये आपके पास किस चीज के बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया, और ओमेगा स्क्वायर आपका 196/9 हो गया, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, 196 का स्क्वायर रूट आपके पास 14 के बराबर और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास किसके बराबर, 3 के बराबर, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी 14/3 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ठीक है, लेट मी सी मोर क्वेश्चन।
A sphere of mass 2 kilogram and radius 5 centimeter is rotating at 300 revolution per minute. कोई sphere है, mass उसका किसके बराबर है? 2 kilogram के बराबर है. Radius किसके बराबर है? 5 centimeter के बराबर है. तो moment of inertia कितना हो गया बेटे? 2/5 mr². तो ये हो गया मेरे पास 2/5 m कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इनटू 10 रेशो द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इनटू 10 रेशो द पावर माइनस 2 तो 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 2 जा 10 2 जा 20 20 इनटू 10 रेशो द पावर माइनस 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. आगे कहता है 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट से रिवॉल्व कर रहा है. ओमेगा इज इक्वल टू 300 आरपीएम. इसका मतलब हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 यानी 10 रेडियन पर सेकंड. इसको टॉर्क चाहिए रोकने के लिए. ये ओमेगा 1 हो गई, ओमेगा 2 हो गई, किसके बराबर हो गई? ओमेगा 2. ओमेगा 2 हो गई मेरे पास 0 के बराबर. कितने रिवॉल्यूशंस में? रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 6.28 रिवॉल्यूशंस. 6.28 रिवॉल्यूशंस में, 6.28 रिवॉल्यूशंस का मतलब क्या है? 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई का एंगल कवर होता है, तो टोटल एंगल मेरा रेडियन में कितना आ गया? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6.28 रेडियन. ये चीज कितना समझ में, किसके लोगों को समझ में आया? राइट. अब मेरे को टॉर्क चाहिए. टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेट कर दूं. क्या चीज? टॉर्क इस फार्मूले से कैलकुलेट करूंगा, आई अल्फा. आई मेरे पास है, अगर मेरे पास अल्फा कैलकुलेट हो जाए तो कैलकुलेट हो जाएगा. तो क्या हो गया मेरे पास? ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा. दिस इज फार्मूला फॉर एंगुलर, आपके पास रोटेशनल मोशन. ओमेगा 2 किसके बराबर है? 0 के बराबर. माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर है आपके पास? ये 10 रेडियन नहीं है, 10 पाई है बेटा. ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 5 30, 10 पाई. तो 10 पाई स्क्वायर हो गया. 10 पाई स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 100 इंटू 3.14 इंटू 3.14. कितने लोगों को समझ में आया ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू ये होगी? हाथ खड़े करें. ओके, ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा इज व्हाट? 2 पाई. 2 तो 2 के बराबर, और बेटा पाई किसके बराबर? 3.14 के बराबर और 6.28 के बराबर. तो 3.14 से 3.14 कैंसिल हो गया, और फिर ये दोबारा से 3.14 से ये 2.6.28 2 से कैंसिल हो गया. तो एक 2 मेरे पास ये आ गया, एक 2 मेरे पास ये आ गया, और एक 2 मेरे पास ये आ गया. तो हमारे पास कुल मिला करके 100 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 8 अल्फा के बराबर आ गया. तो यहाँ से मेरे पास अल्फा किसके बराबर आ गया? 100 बाई 8 के बराबर आ गया. तो हमारे पास टॉर्क जो है वो कैलकुलेट हो गया किसके बराबर? 20 इंटू 10 रेशो द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 8. जितना भी सोल्व होकर के आएगा वो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? दैट विल बी योर टॉर्क रिक्वायर्ड. वो क्या आ जाएगा हमारे पास? टॉर्क रिक्वायर्ड आ जाएगा. तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और देखता हूं और क्या भेजा हुआ है. वो कहता है एक रॉड है,
इस एक्सेस के अबाउट ये गिर जाती है यहां पर, यहां पर गिर जाती है, ऐसे आ जाती है। तो जब ये गिरती है तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड यहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, ये कैलकुलेट करने, बिल्कुल कैलकुलेट कर पाएंगे। लेट, ये लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर है, इसका मास किसके बराबर है, एम के बराबर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। जब ये नीचे गिरी तो इसकी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और पहले क्या थी उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो किसके बराबर थी, एम जी एल बाई टू। कितने लोगों को समझ में आई इक्वेशन नंबर वन, भाई उसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट के ऊपर लाई कर रहा है, एल बाई टू हाइट के ऊपर लाई कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी किसके बराबर हुई, एम जी एल बाई टू के बराबर हुई, और काइनेटिक एनर्जी उसकी किसके बराबर हुई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर हुई, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास आई किसके बराबर आ गया, आई रॉड वन ऑफ इट एंड्स, तो किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर के बराबर होता है, इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू एम जी एल, एल से एक एल कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ थ्री जी डिवाइडेड बाई एल, ओमेगा ही आ गया। अब इस पॉइंट की स्पीड चाहिए, तो वी किसके बराबर हो गया, आर ओमेगा के बराबर हो गया, इस पॉइंट के लिए आर किसके बराबर, एल के बराबर, तो वी किसके बराबर हो गया आपका, एल ओमेगा के बराबर हो गया, तो हमारे पास ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा है हमारे पास थ्री जी डिवाइडेड बाई एल के, और मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इससे एल से, तो मेरे पास किसके बराबर आ गया ये थ्री जी। क्लियर, तो ये आपके पास इस तरह के फार्मूले हैं, मैं आपको कुछ देर में आपको वो डालूंगा, असाइनमेंट डालूंगा, वो सॉल्व करिएगा, और कल जिसकी भी टर्न है स्कूल आने की, वो लोग अपना क्या कहते हैं, मैं एक बार देखना चाहूंगा, कोई पनिशमेंट नहीं होगी, पर जितना काम कर रखा है वो अपनी कॉपी आप लेकर के आइएगा, ठीक है, थैंक यू, यू मे लीव।